उठा 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 उधर से। पीपी थोड़ी ज्यादा है। सो गाइस सारे गैजेट चार्ज लगा दिए थे, मोबाइल वगैरह भी, एंड अभी का आप टेम्परेचर देखो -3 डिग्री सेल्सियस। और फिलहाल हैं अभी हम लोग हंदूर में, कुल लगेगा नहीं कि -3 डिग्री सेल्सियस है अभी। बाहर अच्छी खासी धूप हो गई है। अब ये है ब्रेकफास्ट टाइम, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट अगर हैवी नहीं रहता है तो फिर बाद में ना लंच के टाइम पे बहुत भूख लगती है, एनर्जी भी नहीं रहती सुबह सुबह इस ठंडी को बेयर करने की। अपनी बाइकें देखो वहाँ पे लगी हुई हैं, प्यारी सी दिख रही है, थोड़ी धूल मिट्टी गंदी लगी हुई है। ऊँट पूरे सूख गए होंगे, आपको ब्लैक दिख रहे होंगे ठंडी की वजह से। अभी चलेंगे अपन, करेंगे ब्रेकफास्ट। सबसे ज़्यादा परेशान करके रखा है इस उंगली ने, जो दर्द हो रहा है ना लिटरली वो वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कि किसी ने ऐसा उंगली को रखा है और उसको कुचल दिया है। बहुत गंदा पेन है। रात को कभी मैं ऐसे छाती पे रख रहा हूँ, कभी हार्ट से ऐसा दूर रख रहा हूँ लाइक ऊपर ग्रेविटी, ताकि ब्लड इसमें जाए ना, नहीं तो ये इसमें टफ टफ वाली फीलिंग आ रही है। तो होपफुली आज रेडी होने के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, इसकी हम ड्रेसिंग भी कराएंगे। ठंडियों में सोचो वैसे भी थोड़ी सी चोट लगती है तो क्या हालत होता है। यहाँ तो उंगली कट गई है। 3-4 डिग्री सेल्सियस में ये कटी उंगली ग्लव्स में डालना आसान नहीं है। मोबाइल चार्जिंग लगा देता हूँ, ये भी चार्ज नहीं है, 42% चार्जिंग ऑन। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे। मुझे कहीं अगर बीच में डॉक्टर मिलेंगे तो डॉक्टर के पास भी जाना है, इसकी ड्रेसिंग करानी है। हेलो। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? जय श्री राम। लेट्स बिगिन द न्यू एडवेंचर। पहला स्टॉप डाला है मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे इसकी तो जांच ज़रूरी है भाई, क्योंकि रात भर मैं इसकी वजह से सो नहीं पाया हूँ और 9 बज गए इसी की वजह से, क्योंकि नींद एकदम सुबह सुबह आई। ओ भाई साहब, सामने का खाली व्यू देखो आप, क्या सुंदर है यार ये। आर्मी कैंप में एक बार पूछता हूँ क्या हो सकता है। ये मेरे उंगली में चोट लग गई थी, कोई मदद मिल सकती है यहाँ पे? मैं सोचा मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा, इससे अच्छा यहीं पे पूछ लेता हूँ एक बार। अच्छा अच्छा, मैं मुंबई से आया हूँ सर। अच्छा सर जी, यहाँ पे मदर 24/7 रहती है। ओके, मोबाइल यहीं रहने देता हूँ, मैं जाके आता हूँ, ठीक है? बाइक की चाबी बाइक में ही है, मोबाइल वहाँ चार्जिंग लगा हुआ है। A few moments later. So guys, finally dressing हो गई, चार गोलियां भी मिली इंडियन आर्मी से। खाली ये गोलियां दुश्मन को मिलती हैं, जो सिविलियंस रहते हैं भारत देश के नागरिक हैं उनको ये गोलियां भी मिलती हैं जरूरत पड़ने पे। इतना गंदा हालत है उंगली का कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा, भारतीय नागरिक होने के नाते मैंने अंदर वीडियोज नहीं बनाए, अदरवाइज मैं आपको दिखाता कि इसकी क्या ही हालत थी। यहाँ पे तो चलता है, ब्लॉक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि अपनी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन किसी के हाथ ना लगे जो हमारे अगेंस्ट जा सकती है। हाँ सर, ठीक है एकदम, आप लोग की वजह से और ठीक है। A few moments later. So, अभी हम निकल रहे हैं पेंगोंग के लिए।
जैन सर थैंक यू सो मच, हो गया मेरा। हाँ बहुत दर्द कर रहा था, यहाँ पे कर रहे थे क्लीन तो सर पे दर्द हो रहा था। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। बिग थम्स अप टू इंडियन आर्मी। आज हमारा जो रास्ता होने वाला है वो हुंदर से दीक्षित से दुर्बुक की घाटियों में से शनोक रिवर के पास से हम जाएंगे पेंगोंग लेक, और बहुत ही ज़्यादा भयंकर रास्ते रहने वाले हैं। आगे के 30 किलोमीटर का जो रास्ता है, 30 से 40 किलोमीटर वो अच्छा है, उसके बाद कंप्लीट ऑफ रोडिंग मिलने वाली है। सो आई डोंट नो गाइस, आपको दिख रहा है कि नहीं, नीचे पूरे सैंड ड्यून्स हैं। सो ये हैं होंडूर के सैंड ड्यून्स, और भाई लद्दाख ही एक ऐसी जगह है जहाँ आपको बर्फ़ दिख जाएगी, ठीक है, आपको रेगिस्तान दिख जाएगा, आपको ग्रीन पहाड़ दिख जाएंगे, रेड पहाड़ दिख जाएंगे, आप जिस कलर के पहाड़ बोलो उस कलर के पहाड़ दिख जाएंगे आपको। तो बहुत ही वर्सेटाइल इन्वायरमेंट है यहाँ का। एक पल आपको एकदम चिलचिलाती धूप मिलेगी तो दूसरे पल एकदम ठंडी हवा। और मेरे राइट साइड आज वेट ज़्यादा है तो गाड़ी राइट साइड फट से टक से टपिन हो रही है। क्या रास्ते, मजा करोगे तो मजा है, गलती करोगे तो सीधा सजा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं मोटो जीपी में आ गया हूँ। लेफ्ट पटका, राइट पटका, राइट पटका, लेफ्ट पटका। अब जो शहर आने वाला है उसका नाम है दीक्षित, माधुरी दीक्षित नहीं, नॉर्मल दीक्षित। आगे पूरे बादल उतर गए हैं पहाड़ों पे, देख रहे हो जैन भाई आगे मस्त राजमा महक रहा है यार किधर, बहुत बढ़िया। ओ बच्चों ट्रैफिक है, नहीं तो मैं तुमको हाय बोलता था। अब यही वो जगह है जहाँ पे कल एक्सीडेंट हुआ था, और वो गाड़ी के जो हाइड्रोलिक्स होते हैं लाइक हैंडल के हाइड्रोलिक्स वो फेल हो गए थे मोटर, तो फिर वो गाड़ी पलट गई थी। वाला ब्लॉग देखना आप लोग को ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। एंड बाय द वे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। आज का हमारा सफ़र बहुत लंबा होने वाला है पेंगोंग तक का, क्योंकि मैप में ही 7 आवर्स दिखा रहा है, तो लेट्स सी अब कितने टाइम लगते हैं हमें। रेव मैचिंग का मज़ा ही अलग है अपना, अभी डीबी किलर निकाल दूं ना तो पूरा माहौल घूम जाएगा। ओ भाई रास्तों पे कोई एक आदमी नहीं है, और सुपर बाइकर अकेला चल रहा है। ले तनातनते ईस्ट और वेस्ट, सेफ ड्राइविंग इज द बेस्ट, इंडीड सेफ ड्राइविंग इज द बेस्ट, ड्राइव इन योर ओन एंड योर मोटरसाइकिल्स लिमिट। यो क्या पटक रहा है रास्ता, अब मेरा गाड़ी इतना वजन है पीछे की उठा उठा के पटक रहा है। तूफान कंट्रोल बेटा, कंट्रोल, पेंगोंग पहुंच जाएंगे अपन, बहुत तुम भाग रहे हो। ये रही वो पेट्रोल पंप। व्हाट्स अप बॉयज, व्हाट्स द प्लान, ले यू गाइस आर नॉट गोइंग पेंगोंग, पेंगोंग लेक ओनली। अच्छा पेंगोंग लेक ओनली, आई थॉट ले पेंगोंग ओनली। You guys went to Turtuk? Yes, no Turtuk. Not Turtuk. Water only, right? Sorry? No. I stopped for filling only. Because next... Pretty badly. But that's okay. It's too much cold, na? I wasn't knowing that like my fingers is inside the chair only. How was your ride? Yeah, that was good. The road is also not that good, na? From here, we can manage it. Only 20 kilometers is top road. Rest all is quite good. अच्छा, व्हाट अबाउट द मनाली रोड, एनी अपडेट? जैसे 19 दे विल ओपन 19, सो टुडे पेंगोंग, देन आफ्टर दैट यू गाइस आर गोइंग टू हनले, नाइट वी विल ऑल इन हनले।
ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फ्यूल तो अभी काफी था गाइस, बट फिल कर लेते हैं और हमारे पास तो 20 लीटर के कैन भी हैं, तो ऑल सॉर्टेड बिकॉज ये लास्ट पेट्रोल पंप है। टांगसे में पेट्रोल पंप है बट वहाँ पे पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ गारंटी नहीं, सो कांट रिस्क इट क्योंकि ये भाई इसको भूख बहुत लगती है। बाइक उतार ही देते ही मैं तो बोलता हूँ चली जाएगी बाइक, आ जाओ। यहाँ पंचर नहीं हो जाए टायर ही सत्तरों पे। सो गाइज आप बिलीव नहीं करोगे कि स्ट्रीट को हम ऐसी ऐसी जगह पे लेके आ रहे हैं, लिटरली ये है पत्थर देख रहे हो और इस पे स्ट्रीट को लेके आए हैं। फिलहाल हैं अभी हम लोग शेनॉक रिवर के साइड में। आपको मैंने सोचा कि खाली पानी दिखा दूँ और ख़ुद भी देख लूँ कि क्या ही इसकी क्लियरिटी है पानी की। और ये जब इस पानी का लेवल बढ़ जाता है ना तो देखो यहाँ तक इसने ज़मीन को काट दिया हुआ है। आई गेस 4 फीट 5 फीट इसकी हाइट बढ़ती है वाटर लेवल जो है। और पानी देखो क्रिस्टल ब्लू वाटर क्या दिख रहा है। ये मैंने अपनी लाइफ में ऐसा क्लियर वाटर देखा नहीं, लाइक बिस्लेरी का भी पानी इतना क्लियर नहीं हो। यहाँ पे तो एक बहुत कंफ्यूजिंग सा रास्ता है, अगर आप यहाँ से इस तिराहे से राइट लोगे तो आप जाओगे खारदुंगला एंड यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो आप जाओगे पेंगोंग, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। तो इस जगह को याद कर लो हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से लेके पेंगोंग तक का रास्ता ये शेनॉक रिवर के बाजू में से ही है, तो ये नज़ारा हम इंजॉय करते करते पहुँचेंगे। बीच में थोड़ी डिफ़िकल्टीज का भी सामना करेंगे, वो जो पहाड़ी रीजन दिख रहा है वहाँ पे है पेंगोंग और वहाँ का टेम्परेचर अभी फ़िलहाल डे का ही है -9 डिग्री सेल्सियस और रात तक का टेम्परेचर होता है -19 -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सो सुन के डर तो लग रहा है लेकिन जाना तो है ही है। सो मैं यहाँ के जो वर्सेलिटी की बात कर रहा था ना गाइज, अभी देखो अभी इसके पहले तक आपको सूखे पहाड़ रेगिस्तान दिख रहे थे, नाउ अभी ग्रीन 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 आपको पेड़ दिखेंगे नदियाँ दिखेंगी, तो इतना वर्सेटाइल है यहाँ का एनवायरनमेंट। ओह गाइस अब यहाँ से हमारी मुसीबतों का पहाड़ खड़ा होगा क्योंकि यहाँ से 70 किलोमीटर के रास्ते ऐसे ही हैं और हमारी गाड़ियों की वाट लगने वाली है, थार एकदम धुआं उड़ाते हुए जा रही है। अब यहाँ से गेम बजेगा हमारा गाड़ी की माइलेज का, गाड़ी के सस्पेंशन का, हमारी पीठ का, ये 70 किलोमीटर कैसे जाते हैं भगवान जाने। अब 1 hour later पानी वानी पीते हैं साइड में। हाँ ठीक है, थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा है। अच्छा नहीं नहीं ठोक ठीक है, रुक जाते कोई दिक्कत नहीं, रुकते यहाँ पे ठीक है, साइड लगा लो। अरे 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 यहाँ तो गाड़ी खड़ी नहीं हो रही है मेरी भी। उठा 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 उधर से, रुको 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 ऐसे नहीं पकड़ो।
ओ भाई लगी तो नहीं, रुको रुको, थोड़ा भी फिजिकल एक्टिविटी पे सांस फूक जा रहा है। ये पीछे वजन ज्यादा है ना इसके लिए, ये लो निकाल दो हेलमेट, बैठ जा थोड़ा। वो हट गया क्या स्टैंड? अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं यार, प्रॉब्लम हो जाती थी नहीं तो बहुत बड़ी। मैं नीचे रख रहा हूँ तो मेरा ये ग्रेवल है ना तो इसके अंदर गाड़ी घुसते जा रही है, मैं सोचा मैं छोड़ूंगा तो मेरी भी गिर जाएगी, मैं पत्थर लगाने लगा। इसमें स्पीड में भी रहना है तुमको, कोई मदद नहीं है दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी कुछ नहीं दिखेगा, आपको खुद ही सरवाइव करना है यहाँ पे। बीपी बताओ, बीपी थोड़ी ज़्यादा है, मेरी नॉर्मल है। 126 हो गई। 126 बहुत ज़्यादा है, थोड़ा आराम कर लो तुम, बैठ जाओ। 1 hour later गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, अभी चालू हो गया ना आराम, अभी ठीक है ना सब जन भाई? हाँ हाँ। चलो यार जल्दी से निकलते हैं, बहुत गर्मी है यहाँ पे। मैं सोच रहा मेरी गाड़ी क्यों नहीं चालू हो रही है, अरे फिर से मत गिर जाओ यार, नहीं हो रहा है तो थोड़ा रुक जाते हैं किधर शैडो देख के। चला लोगे? हाँ। पक्का? 70 किलोमीटर है ये रास्ता, कैसे क्रॉस कर लोगे? ये रास्ता गाइस हमारी जान ले लेगा, ऐसे 10-15 की स्पीड में चलना है हमको नेक्स्ट 70 किलोमीटर। सस्पेंशन देखो क्या दब रहा है गाइस, मैं आप लोगों के लिए जूम इन करता हूँ अभी एडिटिंग पे, धड़धड़ा रही गाड़ी। गाइस अगर आपको खुद को और अपनी बाइकों को टॉर्चर करना है और दोनों को टेस्ट करना है तो आप लद्दाख आ जाओ, लद्दाख आने के बाद आप हुंडूर से पेंगोंग वाला ये रास्ता सेलेक्ट कर लो। आप कितने पानी में हो, आपकी बाइक कितने पानी में, दोनों चीज़ों का पता चल जाएगा, स्पेशली सुपर बाइकर्स और हिमालयन वगैरह के टी एम 390 एडवेंचर वो सब के लिए पीस ऑफ केक है, बट सुपर बाइक्स के लिए तो भाई ये दम निकालने वाला है। ये रास्ता नहीं टॉर्चर है, है? ये रास्ता नहीं टॉर्चर है का क्या हाल होगा भाई, इसको मेजर का मेजर का मेजर सर्विस करना पड़ेगा। ऑल गुड गाइस, चलो चलो आ जाओ जैन भाई, हिमालयन वाले थक जा रहे हैं, अपन कौन सी मिट्टी के बने हैं। और भाई अपनी गाड़ी जब से स्टार्ट हुई है ना रुकी नहीं है, खाली जैन भाई थोड़ा गिर गए थे तब गाड़ी हमारी रुकी थी, अभी जैन भाई ऑल ओके। चलो, अरे बाप रे मेरा गाड़ी चोकअप हो जाएगा। ओ माय गॉड कुछ दिख नहीं रहा है, ए, निकल गया। अरे रे इसके पहले निकलो, ये डाल देंगे, धूल उड़ाएगा। नहीं धूल उड़ेगी तो पीछे ही जाएगी, उससे ज्यादा धूल तुम उड़ा के चल रहे हो। पीछे उड़ रही है। तो रास्तों के नाम पे है पत्थर, बड़े बड़े नोकीले पत्थर। अरे मैं जा किधर रहा हूँ, ले जाना किधर जा रहा हूँ गाड़ी को। फास्ट वोंट लास्ट, दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज फास्ट एंड इट लास्ट फ्रॉम More than 7 years. Never stop, forget it if I want it.
द बेंड्स बी स्लो माय फ्रेंड, समझ ला का है? अपने को दो घंटा हो गया बाइक चलाते हुए। सो गाइस बाइकें काफ़ी ज़्यादा चल चुकी थी तो हमने सोचा कि अब इसकी चेन लूप कर दी जाए ताकि थोड़ा ये स्मूथ हो जाए, उसके ऊपर लोड ना पड़े। और यहाँ का सनलाइट ऐसा रहता है ना कि भाई आंखें खुलती ही नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों की आंखें ऐसी हो जाती हैं। रास्ते है ही नहीं, ये एक्चुअली नदी का रास्ता है जिसमें से रास्ते बने हुए हैं। यहाँ पे पानी ज़्यादा रहेगा, अभी तो थोड़ा सा फ्लो है बट इसके बाद जो सीज़न आएगा यहाँ तो भाई 5-5 फीट पानी रहेगा, इसलिए हमने पहले सीज़न में ही आने का प्लान बनाया क्योंकि खराब रास्तों पे तो गाड़ी संभाल के चला लेंगे लेकिन जब पानी ही 5 फीट हो जाएगा तो उसमें पत्थर तो दिखेगा नहीं, तो उसमें गाड़ी तो टच होनी, केसिंग फूटना फिक्स है। सो गाइस बाल एकदम अजीब तरीके से खड़े हो गए, ऐसा लग रहा है कि करंट लगा है मुझे। और फिलहाल हम लोग ने 90 किलोमीटर कवर कर लिए थे हंदूर से और अभी थे हम लोग शेनॉक में। और अपन इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड क्योंकि भाई ये वीडियो अब हो जाएगा बहुत लंबा। और इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं शेनॉक से पेंगोंग वाया, इसमें आएगा बीच में तांग से, उसके पहले आएगा दुर्बुक और आगे की जर्नी आप देखना। और अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चेहरे की शक्ल, ओठों को, बालों को इग्नोर करो और खाली व्यू एंजॉय करो और बताओ कैसा लगा आपको, मज़ा आया कि नहीं कमेंट सेक्शन में। विद दैट सेड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव बिग फैट थम्स अप, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑलवेज रिमेंबर यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू बिलीव एंड स्मार्टर देन यू थिंक। सुन नेवर गिव अप ऑन एनीथिंग। मिलते हैं अपन ऐसे किसी नेक्स्ट धमक की तार वाले वीडियो में। टिल देन पीस, बाय बाय, टेक केयर।